जिला प्रचारक जी श्रीमान प्रेम प्रकाश जी भी आप आ चुके हैं, आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ये दो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे नगर प्रचारक जी श्रीमान ब्रजेश जी का भी स्वागत है। हमारा जो ये सिलसिला चल रहा है, हमारा जो संभाषण चल रहा है, हमारे बीच पूरा जिला के जिला कार्यवाहक जी भी आए हैं, श्रीमान राजेश जी आपका भी स्वागत है, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये जो एग्रीकल्चर के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी लोग आप सर्व समाज से एकत्रित हैं, आइए हमारे बीच ज्योति दीदी आई हैं, आपका बहुत स्वागत है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी महा विश्वविद्यालय के लिए समर्पित, संपूर्ण समाज के लिए समर्पित होकर के आपका कार्य गोरा में चल रहा है। हम आपके पिताजी भी आए हैं, माता पिता और प्यारे बच्चों गोला में सिंह द्वारा प्रतिवर्ष श्रावण मास में हम सभी को नगरी में पधारने का अवसर मिलता है और सौभाग्य से मैं बगल के जनपद में हूँ, लखीमपुर जनपद में सेवा कर रहा हूँ, तो प्रतिवर्ष यहाँ आने का अवसर मिलता है और मैं आता हूँ। कभी दुर्भाग्य से कभी यहाँ पर ऐसा होगा बीच में नहीं आ पाया, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और गोला नगरी और लखीमपुर जनपद के नौनिहालों के लिए और कृषि वर्ग के लिए बहुत ही कोचिंग बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों को आगे अपना भविष्य बनाने के लिए। और इसकी प्रेरणा जो है दिलीप सिंह, जो हम लोग साथ में नरेंद्र विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे, तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये कसक थी कि हमारे जनपद का प्रतिनिधित्व इस अच्छे और उच्च कोटि के इंस्टीट्यूशन में कम है, और इसी प्रेरणा से भविष्य में इन्होंने कि हमारे जनपद के बच्चे अपने भविष्य के लिए अच्छी जगह जाएं, इन्होंने ये कोचिंग संस्थान प्रारंभ किया। और अच्छी बात है कि इनका उद्देश्य कभी लाभ कमाना ये नहीं रहा, आप लोग अच्छी शिक्षा पाएं और अच्छी जगह अध्ययन करके अच्छा कैरियर बनाएं, यही इनकी सबसे बड़ा उद्देश्य है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और बहुत सारे बच्चे आए हैं इनमें एग्रीकल्चर इंटर या हाई स्कूल के होंगे, उनके लिए विशेष रूप से मैं आग्रह करूँगा कि आप अपना समय दें। और पहले तो एक आपसे हमसे पूर्व एक वक्ता बोल रहा था, जो अच्छा हमारे किसी इंस्टीट्यूट में अध्ययन रखे, उसकी कुछ चिंताएं थी कि यहाँ से कम बच्चे निकलते हैं, वहाँ जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये चिंता वाजिब है। और इसके लिए आप लोग अभी से इंटर एग्रीकल्चर हमें अगर पढ़ना शुरू करते हैं जब, तो इंटर एग्रीकल्चर यूपी बोर्ड का सिलेबस इस प्रकार का है कि आप लोग समय बहुत ज़्यादा कम होते हैं और जो 50% प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं उन पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, और थ्योरी मिला के कम से कम फर्स्ट डिवीजन आ जाती है तो आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो रिलैक्सेशन आपको घाटा देता है, उस समय का सदुपयोग करिए और अलग से पढ़ाई करिए, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, अपना सिलेबस पूरा कवर करना है। बहुत आसान है एग्रीकल्चर में फर्स्ट डिवीजन लाना, लेकिन आगे सीटें कम हो जाती हैं और सीटें कम होने के साथ साथ कंपटीशन बढ़ता है। आप सभी को अभी जागरूक उतने नहीं हैं कि आगे उन स्कूल में पहुँच के होता क्या, सभी का उद्देश्य है ना अच्छा कैरियर बनाना, कोई ऐसा तो है नहीं सभी के अच्छे जॉब, लेकिन एग्रीकल्चर में आने के बाद आपका कैरियर सिक्योर है, कम से कम मान लीजिए अगर आप अच्छी जगह एडमिशन ले लेते हैं, और उसकी सीढ़ी यही इंटरमीडिएट से ही शुरू होती है, आपको डे फर्स्ट से पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि कोचिंग संस्था में सभी जा सकते हैं लेकिन आपको स्वयं द्वारा अध्ययन करके मेहनत करके ही पढ़ाई की जाती है, कोचिंग केवल गाइडेंस देती है। आप सिलेबस रखिए, क्वेश्चन पेपर रखिए प्रीवियस ईयर के, सबसे अधिक जरूरी है कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, आप पिछले वर्षों के पेपर का सबसे पहले अध्ययन करिए और सब चीज़ें छोड़ दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि है क्या, हमें पढ़ना क्या,
इंटर की किताबों में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे बुक्स आते हैं, सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आते हैं, तो पहले तो अपना सिलेबस कवर करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, वो अलग बात है, पेरेंट्स को खुशी होगी, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारे अच्छे मार्क्स आए। लेकिन सबसे जरूरी है पिछला 10 से 5 मिनट जितना आप अध्ययन कर सकते, सारे क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनका सिलेबस लीजिए और एक कोचिंग संस्था का सहयोग लीजिए, जिन टॉपिक में आप कमजोर हैं उनमें सलाह लीजिए अच्छे शिक्षकों से। हम जैसे लोग हैं संपर्क कर लीजिए, नंबर मिल जाएगा, आपको हमेशा सहयोग करेंगे। लेकिन आप जब अच्छे स्कूल में पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आपका करियर बेटर, आप पढ़ाई कर सकेंगे अच्छे कम फीस में। एक अच्छी सुविधा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है, आपको हाई स्कूल और प्राइमरी लेवल में तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं आपके, लेकिन जैसे उच्च शिक्षा के लिए आप जाते हैं तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट आपको गवर्नमेंट में ही मिलेंगे और वहाँ बहुत नॉमिनल फीस में आपकी पढ़ाई होगी, आपको पेरेंट्स को भी समस्या नहीं होगी, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आपको पहले एक अच्छा इंस्टीट्यूट पकड़ना है, तभी आप कैरियर को अपना उच्च स्तर पर ले जा पाएंगे, चाहे IIM हो, IIT हो, एग्रीकल्चर के, चाहे वैसे बहुत कॉलेज आपके क्षेत्र में खुले होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं जहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। हम सभी मंच में बैठे हमारे जितने कलीग्स हैं या ग्रेजुएट हैं या जूनियर सीनियर, वो सभी अपने जो देश था उसके आसपास में, और हमारा जो बैच था नरेंद्र विश्वविद्यालय का, आपको विश्वास दिला दूँ 54 हम लोग फिर समय सीटें कम थी, और 54 में कोई भी ऐसा नहीं है जो अनएम्प्लॉयड हो या जिसको गवर्नमेंट में जॉब ना मिले, कुछ लोग IAS PCS और सब लोग कुछ ना कुछ एक अच्छी जगह पर हैं। तो कैरियर आपका एग्रीकल्चर में प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पहुँचते ही काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है, और कुछ नहीं करेंगे तो अपने कृषि विकास में सहयोग करेंगे और एग्रीकल्चर में ही इनोवेटिव कुछ करके, यहाँ कई जनपद में हम चले लखीमपुर में सेवारत करें पेपर्स, तो यहाँ बहुत अच्छे पेशा थे करने के, जो अच्छे से खेती करके और बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं और दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था यहाँ आने का, और इतने अच्छे बच्चे और बहुत सारी संख्या में देख मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आए, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि अच्छा कैरियर हमें मिले। उसकी शुरुआत आपके इंटरमीडिएट की पढ़ाई से होती है, तो उस लिबर्टी का जो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में मिलती है उसका लाभ लीजिए, समय दीजिए पढ़ाई को, पहले सिलेबस कवर करिए, अपने अच्छे मार्क्स लाइए और गाइडेंस के बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लीजिए। और मोटिवेशन, वो जो कह रहा था बच्चा कि मोटिवेशन बहुत जरूरी, तो मोटिवेशन मिलेगा कहाँ? मोटिवेशन मिलेगा आप वेबसाइट पर जाइए, पहले UP में या अन्य जगह इंडिया में जितने इंस्टीट्यूशन हैं, अच्छा मोबाइल तो सभी आजकल यूज करते हैं, लेकिन उसे अक्सर जहाँ इंटरनेट बहुत बड़ा भंडार है ज्ञान का, और बहुत कुछ उसमें ऐसा भी है जो आपको जिससे मतलब नहीं होता है, सारी सूचनाएं उसमें उपलब्ध है। हम लोग जब तैयारी करते थे तो कुछ भी ऐसा नहीं था, बड़ी समस्या होती थी, बड़े बड़े टेक्स्ट बुक खरीदने पड़ते थे, सिर्फ एक ये क्वेश्चन खोजना है किस बुक में मिलेगा, ये समस्या होती थी। आजकल आपके पास आपकी पॉकेट में उपलब्ध है, एक क्लिक पे आप खोज सकते हैं, आप सारे फॉर्म ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, भर सकते हैं। हम लोग खरीदने जाते थे दूर दूर तक, यूनिवर्सिटी में मिलेगा कितने का, पहले वो बनवाओ बैंक ड्राफ्ट, वहाँ जमा करो तब फॉर्म मिलेगा। आजकल बहुत आसान है, आप लोग बस उसका सदुपयोग करिए। तो मोदी और क्रिकेट, वहाँ क्रिकेट भी एक बहुत बड़ी समस्या है, सभी बच्चों का ये रहता है कि इंटर हाई स्कूल में कि ज़्यादातर समय इसी में जाता है, क्या आप संडे को सुबह से उठे 8 बजे सुबह निकले और रात 8 बजे से पहले नहीं लौटे? ऐसा नहीं है, क्रिकेट में हाँ खेलने की सलाह दे रहा हूँ, आप खेलिए खूब खेलिए, लेकिन समय निर्धारित करिए हर चीज़ का, 2 घंटे शाम को जरूर खेलिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और मित्रता अच्छे ग्रुप बनाइए पढ़ाई के लिए, जिनका उद्देश्य हो कि आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है और अच्छा कैरियर बनाना है, उनको एक ग्रुप बनाइए। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, लेकिन उनमें क्या देखते हैं बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। और पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि बच्चे पर थोड़ा वॉच करिए, मोबाइल ऐसा कीजिए मैं लेकिन देखता क्या है और क्या करता है, आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, बस आपको इतना ही कंट्रोल करना है, उसको रोकना नहीं है कि आप मोबाइल में टच करिए, नेट में। और तो आप लोग सिलेबस पर ध्यान दीजिए, जहाँ
पहले सारे टॉपिक फिट पढ़िए, जब ना समझ में आए तो कोचिंग में उसको ईजी किया जाता है, सिलेबस को सरल बनाया जाता है, आपको जो चीज़ नहीं आती है वो ईजी करके पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप सोचोगे हम लोग पढ़ रहे हैं, संभव नहीं है पढ़ना, आप ही को मेहनत आप ही को करनी है अभी निकल पाएंगे। अभी शायद आप लोगों को एहसास नहीं है कि आप जो ये उनका उद्देश्य है जो बड़े इंस्टीट्यूट में आपको भेजना, वहाँ से 100% करियर मिलेगा आपको, सफलता मिलेगी। जो चाहते हैं जितनी मेहनत करते जाए तो उतना आगे करियर आपको मिलेगा। तो छात्रों की बात और करने की जहाँ तक बात है, तो आपके पेरेंट्स और सभी के करने का जनता है बहुत अच्छे किसान हैं यहाँ पर, तो इन बच्चों की मदद उसमें लीजिए। आजकल सब चीज़ हाईटेक होती जा रही है और कहीं ना कहीं सही भी है। करने बेचने से लेकर करने की पूरी तैयारी देती सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ उपलब्ध है आपकी वेबसाइट पर। सबको आपके गन्ने के कैलेंडर एक एक किसान का केंद्र और वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप डाटा देख सकते हैं कब आपकी पर्ची आएगी, कब आपका कैलेंडर लगा हुआ है, क्या आपको कंप्लेंट करनी है, जो समस्याएं हैं उनको सोसाइटी में जाके सोल्यूशन है, आपको सब कुछ मोबाइल पर उपलब्ध है। बहुत सारे किसान ये शिकायत करते हैं कि हम मोबाइल नहीं देखना है, फिर बच्चों की मदद लीजिए, आप लोग भी अपने पेरेंट्स की मदद करिए, कहीं ना कहीं आपके दृष्टिकोण में ये भी जरूरी है कि घर के सब काम करते हुए आप पढ़ाई करें, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करें या सिर्फ खेलें, समय का मैनेजमेंट करें। सबसे ज़्यादा पहले पढ़ाई पर ध्यान दें, उसके बाद घर के काम, तब कहीं जाके खेल और मनोरंजन, वो भी जरूरी है समय के साथ। तो आप लोग को मैं एक निवेदन करूँगा कि टेक्नोलॉजी से दूर मत भागिए, बच्चों को समय दीजिए और प्रेरित करते रहिए। और बच्चों आप लोगों को भी त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो चीज़ें जो पसंद की हैं, जो खेल के घंटे हैं, वो काम करने पड़ेंगे, बिना सेक्रीफाइस की बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो सबसे पहले जो 7-8 घंटे समय निकालिए पढ़ाई के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए, और इंटरमीडिएट तक तो आपका एडमिशन मिल गया मार्कशीट पे, अब आपके आगे हर चीज़ के लिए आपको कंपटीशन या प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, चाहे कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो, भविष्य में नौकरी या किसी चीज़ की तैयारी हो, अब से आपको जो भी मिलेगा वो कंपटीशन देके ही मिलेगा। तो अभी से उस अपने आप को उस मोड पे डालिए कि आप तैयारी के लिए आगे आएंगे, और जो चीज़ सरल होती है वो जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है जो आपको चाहिए वो सरलता से नहीं मिलेगी। अतः ये जरूरी है कि आप लोग तैयारी इंटरमीडिएट में जैसे प्रवेश लें तो तभी से शुरू कर लें, अंतिम समय में अंतिम 1-2 महीने में सिर्फ प्रवेश पर जो पुराने पेपर्स हैं उनका सॉल्व करें और वहीं से कुछ निकलेगा, आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो कोचिंग में आए, मदद लें और अपने पेरेंट्स की मदद करें। गन्ना विभाग अब बहुत ही हाईटेक होता जा रहा है, सारा कुछ डाटा आपके वेबसाइट पे जा रहा है, प्रत्येक किसान का सिंगल सिंगल एक एक का रकबा, आपके घोषणा पत्र, सब कुछ, जमीन का उल्लेख कर सारा आपकी जमीन की डाटा हुआ विभाग में रजिस्टर करवाया है, घोषणा पत्र सब लोग दे दीजिए समय के साथ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ कोई भी लोग थोड़ा बहुत करने से सभी जुड़े हैं। घोषणा पत्र इस बार विभाग ने बहुत अनिवार्य कर दिया है, जिसमें आप अपनी जमीन का डिक्लेरेशन करेंगे, सारी सूचनाएँ लेंगे जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक और जमीन की पुरानी, ये 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं, इनको समय के साथ जमा कर दीजिए अभी 30 सितंबर के पहले पहले, जिससे कि आपका सट्टा संचालन सही से हो सके। और जो भी आपके अभी सर्वे चूँकि खत्म हुआ है डिस्प्ले आपका शुरू हो गया है, सभी जगह डिस्प्ले चल रहा है, सत्र का पता चल रहा है, आप लोग अपना जाके देख लीजिए, अगर समय से आप नहीं पहुँच पाते हैं, सुपरवाइजर नहीं मिल पाता है, तो उससे मिल के फ़ोन करके अभी अपना जो बना हुआ है सेक्टर, जो शेयर है आपका और जो पेड़ पौधा का रेशियो, वो सब देख लीजिए, अगर उसमें कोई विसंगति हो तो अभी आवेदन दे के और उसका संशोधन करा लीजिए, जरूरत पड़े तो मौके पर भेज करा लीजिए किसान अपने खेत पर, क्योंकि अभी संशोधन हो गया तो आपको आगे सीजन में आसानी हो जाएगी, अन्यथा की स्थिति में क्योंकि इस बार बाद में शायद संभव ना हो डेटा में परिवर्तन, क्योंकि इस बार विभाग के उनका सर्वर उन्होंने स्थापित किया है, सारा डेटा वहाँ गया है, अब केवल समिति पर निर्भर नहीं है, मुख्यालय लखनऊ में सारा डेटा सुरक्षण रखे, अब आप आगे जाए
सोल्यूशन रखना, बेचना और सही समय से बेचना ताकि मिल की रिकवरी भी सुधरे और आपका